अभद्र टिप्पणियां करना नीतीश कुमार का खून में लिखा हुआ है, तो नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। जिस माँ के कोख से उसने पैदा लिया उसी कोख को शर्मिंदा करता है देश के अंदर, तो नीतीश कुमार को रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। गांजा पीर करके बयान दिए होंगे तभी ऐसा बयान हुआ है। हम लोग महिलाओं में इतना आक्रोश है कि बिहार तक जाना होगा तो उनके ईंट से ईंट बजा के हम लोग खुद आएंगे। बीजेपी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। आज उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू हम ही नहीं शर्मिंदा नहीं है, शायद वो भी उनके उस बयान को सुनकर उन पर लानत भेजेंगी। जब एक बार तीर निकल जाता है वो आहत कर देता है तो उसका जो जख्म होता है वो ताउम्र रहता है। नीतीश कुमार ने जो बयान बोली के माध्यम से मारा है महिलाओं पर वो माफी के काबिल नहीं है। कि महिलाओं से कहना चाहूंगी कि क्या वो महिला नहीं है? क्या अगर पार्टी चेंज हो गई है तो कोई भी उनकी बेइज्जती कर सकता है? क्या वो इसका समर्थन कर रही है? तो ऐसी नारियों को भी डूब चाहिए। नीतीश कुमार जी को जनसंख्या कम करवाना है तो घर घर उस तरह से अलग व्यवस्था करें। तमाम महिला जो कार्यकर्ता है वो दरअसल मेरे साथ है। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, क्या मांग करते हैं? अभद्र टिप्पणियां करना नीतीश कुमार का खून में लिखा हुआ है। नीतीश जी को वहाँ से अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक महिला होने हूँ फिर भी वो जो शब्द बोला है वो महिला भी शर्मिंदा है उस शब्द को बोलने में भी, तो नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। मैं भी उन्हीं के क्षेत्र की महिला हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के मैं हूँ, वो भी नीतीश कुमार वहीं का है। वहाँ का एक बात बताओ आप, नीतीश कुमार को जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि ऐसे ऐसे शब्द को प्रयोग करता है? जिस माँ के कोख से उसने पैदा लिया उसी कोख को शर्मिंदा करता है देश के अंदर, तो नीतीश कुमार को रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बयानों का असर नीतीश कुमार में दिख रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे लालू यादव और नीतीश वो करते थे, लालू यादव जी 20 साल तक चले गए हवा खाने के लिए, नीतीश कुमार का भी वही होगा, वो अपने आप ही हवा खाने चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने माँ का अपमान किया है, अपनी माँ का भी अपमान किया है, क्योंकि वो जो शब्द है अपनी माँ के ऊपर भी जाता है तो वो अपनी माँ का भी अपमान करते होंगे, या माँ के साथ वो गलत व्यवहार करते होंगे तभी ऐसा, या तो गांजा पीते होंगे क्योंकि दारू तो उन्होंने बंद कर दिया, गांजा पी करके बयान दिए होंगे तभी ऐसा बयान हुआ है। हम लोग महिलाओं में इतना आक्रोश है कि बिहार तक जाना होगा तो उनके ईंट से ईंट बजा के हम लोग खुद आएंगे। क्या कहेंगे मैम जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया? देखिए बहुत शर्म की बात है, जब बीजेपी में थे तो बीजेपी ने आपको इतना इज्जत मान दिया और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम उसकी तो शर्म करते। जो महालक्ष्मी हमारी देवी लक्ष्मी सरस्वती हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, कई लोग औरतों में वही देखा जाता है। आपने इतने अपशब्द बोले तो क्या आपको ये अच्छा लगता है? आप क्या हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं जिससे टकाई चूर चोर हो जाएगा? तो हमें ये सब उसको नीतीश साहब को इस्तीफा देना ही होगा, देना ही होगा। अभी वो देखे इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो नीतीश कुमार ने अपशब्द बोले हैं उनकी माफ़ी मांगे, वो हम नहीं देंगे उनको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के पुतले के साथ ये जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन है बीजेपी का वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन लगातार प्रचंड हो रहा है। जिस तरीके से ये लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है, असहनीय है, ये लगातार कह रहे हैं। मैम क्या कहेंगे नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है और माफ़ी उन्होंने मांगी है हालांकि अपने बयान के लिए, लेकिन बीजेपी की अब क्या मांग? बीजेपी की यही मांग है कि नीतीश कुमार ने जो भी महिलाओं के लिए बोला है वो माफ़ी से काम नहीं चलेगा जब तक उनका इस्तीफा सामने नहीं आएगा, क्योंकि कल जो उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये इनकी जो पार्टी है वो किस तरीके की पार्टी है और किस तरीके की मानसिकता ये महिलाओं के लिए रखते हैं। और आज कल जो है उन्होंने वो साक्षात अपनी जुबान से वो चीज़ बोल भी दी है। और हम यही मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, बीजेपी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे और महिलाओं से माफ़ी बहुत दूर की बात है, उसको तो इस केस में मतलब इस्तीफा तो जाना ही चाहिए और साथ के साथ उसके ऊपर मानहानि का दावा भी होना चाहिए और उसे जेल भी पहुंचाए। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से बीजेपी का ये जो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है ये लगातार चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद है और तमाम महिला कार्यकर्ता जो है बीजेपी की वो यहाँ पर मौजूद है। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उस पर उनका क्या कहना है, क्या मांग उनकी है, ये जानेंगे। मैम क्या कहेंगे नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है?
मैम ये मैं यही कहना चाहूँगी, एक जिले का, इतने बड़े जिले का मुख्यमंत्री, लेकिन ये जो उनका बयान है उसने उनकी घटिया, नीच और जिसके लिए कोई शब्द नहीं है वो दर्शाता है। इसके उनका अपना करेक्टर, उन्होंने अपना करेक्टर दिखाया है और उनका करेक्टर मैं कहती हूँ कि उनके बिहार की औरतों को ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया की औरतों को ये बात सुनकर शर्मिंदा होना पड़ा जो उन्होंने बयान दिया है। वो सुनने लायक नहीं है, उनकी जुबान से निकला कैसे। आज उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू, हम ही नहीं शर्मिंदा नहीं है, शायद वो भी उनके उस बयान को सुनकर उन पर लानत भेजेंगी कि लानत है नीतीश कुमार जी, शर्म करो और इस्तीफा दो, घर बैठो, महिलाओं का अपमान मत करो। सीता माता का अपमान भी सहा नहीं गया था, द्रौपदी का अपमान नहीं सहा गया था, तो हम औरतें अपना अपमान कैसे सहें, हमें बताएं तो। हम अपना अपमान नहीं सहेंगे। और नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांगने बिहार तक जाना पड़ा तो हम दिल्ली के महिला कार्यकर्ता वहां तक जाकर उनका इस्तीफा। जी बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, इतनी उम्र उनकी हो गई है और वो बैठकर महिलाओं के सम्मान को तार तार कर रहे हैं। पीएम बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि नारियों का आज के राजनीति में क्या योगदान रहा है। कहां नरेंद्र मोदी जी महिला अधिनियम लेकर आए हैं, महिलाओं के विकास के लिए इतने काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? क्या हम सब बैठकर, आप खुद एक महिला हैं, वो जो उन्होंने कहा हम सोच के ही शॉक रह गए, रोंगटे खड़े, मतलब ये क्या कह रहे हैं? क्या आज की जन 21वीं शताब्दी में भी जब भारत एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है उस समय भी महिलाओं के प्रति ऐसी सोच, ये उनका खुद का करेक्टर, उनकी मानसिकता दर्शाती है। पूरी नारी जाति का अपमान नीतीश कुमार जी ने किया है, इसके लिए नारियां उन्हें कभी माफ नहीं कहेंगी। भारत की प्रत्येक नारी को पूरा हक है अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ने का। इतने बड़े पद पर मुख्यमंत्री आप हो और इतनी घटिया हरकत उन्होंने की है, इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और मन तो कर रहा है चप्पलें निकाल के उनपे। मैम नीतीश कुमार अपने बयान के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं निंदा खुद ही करता हूं अपने बयान की, अगर किसी को तकलीफ हो रही है। देखिए जब एक बार तीर निकल जाता है वो आहत कर देता है तो उसका जो जख्म होता है वो ताउम्र रहता है। नीतीश कुमार ने जो बयान बोली के माध्यम से मारा है महिलाओं पर वो माफ़ी के काबिल नहीं है। वो कितनी भी माफ़ी मांग ले, कितनी भी निंदा अपनी स्वयं कर ले, लेकिन महिला वर्ग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्हें ये नहीं पता कि विधानसभा के पटल पर उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या वो सेक्स एजुकेशन का क्लासरूम है या वो एक विधानसभा है जहाँ की प्रोसीडिंग सारा देश देखता है। तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि बोलने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, हंस के मुस्कुरा के बोल रहे हैं तो किस हद की निंदा, कैसे निंदा कर रहे हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है अपने कहे हुए पर, सिर्फ दिखावे को वो निंदा मांग रहे हैं और हम उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ जो गठबंधन किया है, क्या उसका असर जो है वो नीतीश कुमार के बयान में हो रहा है? देखिए ऐसा लालू प्रसाद और क्या उन्होंने गठबंधन किया, क्या असर हो रहा है, हम तो ये जानते हैं। पूरे बिहार की राजनीति आप उठा के देख लीजिए, कोई भी नेता ऐसा जो महिलाओं का सम्मान करना जानता हो, तो वो लालू यादव हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और सबों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाई है। वहाँ पर बीजेपी की जो महिला नेता है वो बयान सुनकर रो रही हैं, लेकिन वही जो पूरा इंडिया अलायंस है वहाँ की जो महिला नेता है वो नीतीश के बयान का समर्थन कर रही है। वो तो होना ही था ना, जो भी अपना सम्मान मानता है उसको इस बात से, हमें भी बहुत, जब मैंने वो वीडियो कल रात को सुना मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे मेरे मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे तो आज हम यहाँ कर रहे हैं। इंडिया के अलायंस को कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, छोटी पॉलिटिक्स करनी है और हम लोग सबसे ऊपर है, हम महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में खड़े हैं। क्या कहीं की महिलाओं से कहना चाहूंगी कि क्या वो महिला नहीं है? क्या अगर पार्टी चेंज हो गई है तो कोई भी उनकी बेइज्जती कर सकता है? ये अकेले भाजपा की महिला की बात नहीं है, पूरी नारी शक्ति के लिए उन्होंने कहा है, पूरे नारी समाज के लिए उन्होंने कहा है। तो जो एनडीए गठबंधन से जुड़ी है वो भी तो नारियां हैं, क्या वो इसका समर्थन कर रही हैं? तो ऐसी नारियों को भी डूबना चाहिए। मैं इतना कहना चाहती हूं कि जो नीतीश कुमार जी बिहार से 8वीं बार मुख्यमंत्री हैं और 8वीं बार मुख्यमंत्री होकर के जो महिलाओं के लिए विधानसभा के अंदर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, नारी शक्ति इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उनका भी जन्म एक नारी से ही हुआ है
और नारी का इस तरह से अपमान करने पे आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिलाएं यहाँ रोड पर उपस्थित है, जबकि दीपावली का त्यौहार है, छठ पूजा का त्यौहार है और मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ और उसके बाद इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, तो हम नीतीश कुमार जी का दिल से विरोध करते हैं और सारी बहनें यहाँ विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसका हवाला वो दे रहे हैं। जनसंख्या कम करना होगा तो आजकल परिवार खुद शिक्षित है, उनको खुद पता है कि हमारी कमाई कितना है, हम अपने परिवार को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। इसमें नीतीश कुमार जी की इस तरह की घटिया शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने टाइम में जो किए क्या नहीं किए उनको खुद पता होगा, लेकिन महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गलत है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयानों का असर जो है, जो उनका कहीं ना कहीं एक बयान रहे हैं, क्या उसका असर नीतीश कुमार में हो रहा है? मैं कह रही हूँ लालू यादव जी के भी तो इतने सारे पुत्र हैं 8-10, तो वहाँ कम कर लेते ना, उस टाइम जनसंख्या कम कर लेते, अपने औलादों से जनसंख्या कम करवा लें। नीतीश कुमार जी को जनसंख्या कम करवाना है तो घर घर उस तरह से अलग व्यवस्था करें कि नसबंदी का कार्यक्रम करवाते हैं, परिवार नियोजन का कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन क्या इस तरह का भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या लोगों को पता नहीं है कि शादी होता है तो पति पत्नी किस तरह से रहते हैं, लेकिन उस पति पत्नी के रिश्ते को जो जिस तरह से प्रताड़ित किया है ये बिल्कुल गलत है। सभी विरोध प्रदर्शन करते हैं और हम लोग वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे जी के और पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी के नेतृत्व में हम उनका दिल से विरोध करते हैं। देख सकते हैं कि आप नीतीश कुमार जेल जाने चाहिए, उन पर केस होना चाहिए, ये मांग लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने देखा कि बीजेपी की जो तैयारी है वो पूरी है और बीजेपी ने ये कहा है कि दरअसल यहीं पर वो नहीं रुकेंगे, आगे विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते, क्योंकि माफ़ी काफ़ी नहीं है। नीतीश कुमार भले ही माफ़ी मांग ली हो, लेकिन जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने शब्द वापस लिए हैं, उससे वो शब्द खत्म नहीं हो जाएंगे। ये लगातार जो है वो बीजेपी की जो महिला नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का ये प्रदर्शन लगातार जारी है।